Namaste everyone, this is Sandeep and welcome to my channel Only Study. Our today's topic is components of environment. We are going to revise this and in Hindi, right? But before we begin, I want you all to subscribe this channel and press bell icon not to miss the coming videos. Let's start. तो मैं आपको बता दूं कि आज हम करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में. इसको हम हिंदी में रिवाइज करेंगे. जैसे कि कुछ एक पेरेंट्स नॉट कुछ एक सिर्फ एक एक पेरेंट्स की कॉल आई थी. फिफ्थ क्लास के पेरेंट्स थे कोई, जो बोल रहे थे कि सर हिंदी में बताओ, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे करेंगे ऐसे करेंगे. मैंने समझाया भी लेकिन नहीं समझे, तो मैंने सोचा कि मैं ही समझ जाता हूँ, मैं ही हिंदी में बना देता हूँ, ठीक है. लेकिन मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि बच्चों को हिंदी में चीज़ें बताई जाएँ, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश में लिखना है और अगर वो इंग्लिश में सुनेंगे तो इंग्लिश में लिख पाएंगे. यही मेरी ओपिनियन है, बाकी लेना नहीं लेना आपकी बात है. लेकिन आने वाले टाइम में इसी इन्हीं चीज़ों के लिए आप पछताने वाले हैं. वेल, स्टार्ट करते हैं. तो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट क्या होता है? जो भी चीज़ आपके सराउंडिंग में है, मतलब आपको घेरे हुए है, वो सारी की सारी एनवायरनमेंट में आती हैं. जैसे आपके हाथ में अभी मोबाइल फ़ोन है, जिस चेयर के ऊपर आप बैठे हैं, आपके आसपास जो कोई भी है, मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी है, वो आपके एनवायरनमेंट का इस टाइम का आपका एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है. तो हो सक आई होप कि क्लियर हो गया होगा. अगर हम बात करते हैं आगे करैक्टरिस्टिक्स की, तो ये जो एनवायरनमेंट है एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. जैसे कि मान लो कोई इंसान मर रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन लगाते हैं, वो उसका एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है. उसी तरह से एनवायरनमेंट जो है वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, हमारे लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है. तो ये हमें प्रोवाइड करता है एयर, वाटर, लैंड एंड फूड, ठीक है. जो हम सांस लेते हैं वो हवा, जो हम पीते हैं वो पानी, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो ज़मीन, और जो खाना हम खाते हैं वो सारे का सारा हमें कहाँ से आता है, एनवायरनमेंट से आता है. और एनवायरनमेंट में नेचुरल और मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. वैसे में ये पिक्चर हमारी मदर अर्थ की है, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है. तो हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की. तो एनवायरनमेंट की टाइप्स में आते हैं दो टाइप्स, मैन मेड एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट. तो अगर हम बात करें पहले नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचर से हमें जो कुछ भी मिलता है वो नेचुरल एनवायरनमेंट है. जैसे हम बात करें पेड़ों की, पौधों की, लैंड की, एयर की, वाटर की सारी चीज़ें नेचुरल हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट में आती हैं, ठीक है. ये देखिए ये जो पिक्चर है, इसमें जो कुछ आपको दिख रहा है वो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है. अगर हम बात करें मैन मेड एनवायरनमेंट की, तो मैन मेड एनवायरनमेंट में हमारे पास आती हैं वो सारी चीज़ें जिनको इंसान बनाता है. जैसे ये पिक्चर, ठीक है. इस पिक्चर में सारी की सारी चीज़ें जो हैं, और इवन ये पिक्चर भी, और ये जो आप देख रहे हैं अभी वीडियो, ये भी मैन मेड है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैन मेड एनवायरनमेंट हैं. चलिए चलते हैं आगे. तो देखिए अगर हम बात करें आगे नेचुरल एनवायरनमेंट की, तो नेचुरल एनवायरनमेंट को हम दो ग्रुप्स में रख सकते हैं. एक है फिजिकल और दूसरा है बायोलॉजिकल, ठीक है. तो फिजिकल में मतलब देखो नेचुरल एनवायरनमेंट कौन सा हुआ, जो नेचर से हमें मिलता है. तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो नॉन लिविंग आती हैं और दूसरी आती हैं लिविंग. नॉन लिविंग में क्या आता है, पहले जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें आती हैं नॉन लिविंग. तो उसमें आता है ये सारी चीज़ें, ये जो इस पिक्चर में है, सनलाइट, एयर, वाटर, रॉक, सैंड, सॉइल, ये सारी चीज़ें. और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की, तो जितनी भी लाइफ है, ठीक है, जो भी जिंदा लोग हैं, जिंदा एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, मतलब जो सांस लेती हैं सारी की सारी लिविंग थिंग्स, वो क्या हैं, वो पार्ट हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का. आई होप क्लियर हुआ होगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कौन है, मैन है, ठीक है. इंसान ही है सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एनवायरनमेंट का. वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, चेंज कर लेता है एनवायरनमेंट को. अगर मान लो आपको कहीं पे घर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, उस ज़मीन को बिल्कुल प्लेन कर देंगे, जेसीबी लगाएंगे और सारी की सारी साफ, ठीक है. नेचर के बारे में कौन केयर करे, ठीक है. तो आगे है हमारे पास फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आर लार्जली इंटरडिपेंडेंट एंड कांट बी सेपरेटेड. ये दोनों जो हैं एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हैं कि अलग ही नहीं किए जा सकते हैं. आई होप क्लियर हुआ होगा. चलिए चलते हैं आगे. तो यहाँ पर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल पड़ा आगे से, तो ये हैं स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो इसमें देखो एक आता है लिथोस्फीयर, चार स्फीयर हैं. वैसे मैं बता दूं आपको, चार स्फीयर होते हैं. एक है लिथोस्फीयर मतलब लैंड, एटमॉस्फेयर मतलब एयर,
हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर और बायोस्फीयर मतलब लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर में आप समझ सकते हैं, ये देखो क्लाउड्स दिख रहे हैं आपको, मतलब ये एयर है यहाँ पे, है ना। जहाँ पे एयर होगी उसको एटमॉस्फेयर बोलेंगे, जहाँ पे पानी होगा, पानी कहाँ पे होता है, ओशियंस में, लेक्स में, रिवर्स में, ठीक है, तो वो हाइड्रोस्फीयर है। और जो बायोस्फीयर की बात करें, जहाँ पे लाइफ होगी, मतलब लाइफ है कहाँ पे वैसे, मतलब जमीन के आसपास ही लाइफ होती है, ठीक है। और जियोस्फीयर मतलब हमारी बुक में लिथोस्फीयर है, इसको जियोस्फीयर भी बोलते हैं। ये जो आपको ब्राउन पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला लिथोस्फीयर मतलब ग्राउंड जो होता है, रॉक्स। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। तो यहाँ पे देखिए लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब क्या है, स्फीयर ऑफ रॉक्स, मतलब ऐसा एरिया जिसमें रॉक्स हैं, मतलब जमीन की बात कर रहे हैं, सॉइल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो अर्थ की जो सॉलिड लेयर होती है वही ये है लिथोस्फीयर। और अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की, मतलब जो आपको जमीन दिख रही है ना, ये अंदर तक है, आप खुदाई करते हैं तो नीचे तक जाती है, तो इसको हम जमीन मान लेते हैं, मतलब ये जो अर्थ है यहाँ पर हम हैं और ये नीचे का पार्ट है, तो इसकी जो थिकनेस है 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, मतलब 100 किलोमीटर तक आप खोदते रहेंगे तब भी ये अंदर से कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, निकलेगा तो बहुत कुछ, खोद के देखना। आगे देखो, अगर हम इस अपर मोस्ट पार्ट की बात करें तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं, इसमें होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिका जो होता है उसका SI लेके और एल्यूमिनियम का AL लेके हम इसको साथ में लिखते हैं और इसको बोलते हैं Cr, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दिखाने के लिए आपको लगाई है। अगर हम बात करें मिड लेयर की, तो मिड लेयर में क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम रिच होता है इसमें, यहाँ पे, है ना, ये जो लेयर है ये रिच है सिलिका और मैग्नीशियम में, और इसको हम सिम्मा बोलते हैं। और ये लास्ट लेयर जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैंने ऐड कर दी है क्योंकि ये लेयर भी होती है, तो इसको बोलते हैं हम निफे, निकिल प्लस आयरन, आयरन को Fe से लिखते हैं आपको पता है, तो इसको Fe और Ni इनको लिख के हम निफे बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये सीमा जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीमा पाया जाता है बिलो द बॉटम ऑफ द ओशियन बेसिन, जो ओशियन बेसिन जो होते हैं उनके बॉटम में, बॉटम के नीचे पाया जाता है, ठीक है, मतलब समुद्र का जो तल होता है, नीचे जो सरफेस दिखता है, ठीक है, उसके नीचे पाया जाता है ये। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये तो कॉमन एडवांटेज, ये तो पता ही है आपको कि लैंड हमें कहाँ से मिलेगी, वो लिथोस्फीयर से मिलेगी, नेचुरल है। और सॉइल कहाँ से मिलेगी, सॉइल भी वहीं पे होती है, तो प्लांट्स को सॉइल जो मिलती है वो भी लिथोस्फीयर से मिलती है। और हम बात करें कि सोर्स ऑफ मिनरल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, लिथोस्फीयर से मिलती हैं, जमीन के नीचे मिनरल्स होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है एटमॉस्फेयर, यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, पर पहले हम बात कर लेते हैं इसकी कि होता क्या है इसमें। एटमॉस्फेयर में एयर होती है, ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर जो होता है वो मिक्सचर होता है गैसों का, ठीक है, और ये एक एनवलप की तरह काम करता है, एनवलप समझते हैं, लिफाफे की तरह काम करता है, मतलब चारों ओर से हमें घेरे हुए है, ठीक है। और इसका जो एक्सटेंड है यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये जो है ये 1600 किलोमीटर्स है, 1600 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एटमॉस्फेयर ये जो है ये मोस्ट डायनामिक है क्योंकि इसमें जो चेंजेस हैं वो बहुत तेज़ तेज़ हो जाती हैं, ठीक है, सीजन टू सीजन तो चेंजेस होती हैं, लेकिन इसमें शॉर्ट पीरियड में भी, मतलब 1-2 घंटे में भी हो सकती हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। हाँ, तो यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, पानी, मतलब धरती, हाइड्रोस्फीयर में हर चीज़। अब आप बोलेंगे सिर्फ रेन का ही वाटर आए, या सिर्फ रिवर का ही हो, या सिर्फ ओशियन का ही हो, ऐसा नहीं है, इसमें पानी की धरती के ऊपर जो भी एक एक बूंद जो है वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, चाहे वो ओशियन में हो, चाहे वो रिवर में हो, चाहे वो रेन की हो, चाहे वो वाटर वेपर्स हो, चाहे अंडरग्राउंड वाटर हो, ठीक है, तो सारे का सारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। हाँ, पानी इसमें इतना ज़्यादा है कि इसको ब्लू प्लैनेट बोल देते हैं। पानी का पता है ना आपको, रंग नीला होता है जब, अगर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो, मतलब अगर हम बात करें गहरे पानी की, तो ब्लू दिखता है कलर में, तो उसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं धरती को,
अर्थ को, और इसको वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो कवर करती हैं 71%, मतलब अर्थ जितनी अर्थ है उसका 70, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ इसको, ये देखो मान लो ये अर्थ है तो इसका ये चार पार्ट कर दिया हमने, तो मतलब सिर्फ ये जो इतना सा हिस्सा जो है वो ज़मीन है, बाकी सारे का सारा पानी है। तो ये ब्लू दिखती है, अगर हम इसको स्पेस से देखें तो ब्लू दिखती है, ठीक है, और इसको वाटर प्लैनेट भी बोल देते हैं। अब देखिए इसमें जो ओशियन है इसका 71% तो मैंने बता दिया, सॉरी 71% तो मैंने बता दिया इसका कि 71% जो है वो पानी है, ठीक है, लेकिन इस 71% का जो 96% मतलब टोटल जो पानी है अर्थ के ऊपर उसका 96.5% जो है वो ओशियंस में है, ठीक है, मतलब वो पीने लायक तो है नहीं, हमारे यूज का भी नहीं है। अब देखो आगे हम बात करते हैं कि जो बाकी का बचा हुआ पानी है वो कहाँ पर है, तो वो लेक्स में, वाटर वेपर्स, आइस, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पानी वो आता है, मतलब जो फ्रेश वाटर है वो इस फॉर्म में होता है, वो कितना हुआ 3.5%। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि हमारी जो अर्थ है, मैं इसको अर्थ मान लो, ये मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ये हमारी हो गई इक्वेटर, तो इक्वेटर से ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न जो हेमिस्फीयर हैं इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पानी का, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर इसमें पानी कम है 43% है और सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, इसमें 53% है। ये बात कर रहे हैं हम ओशियंस की, नॉट फ्रेश वाटर की। तो ये जो है, अच्छा हमें ये आपके लिए क्वेश्चन है, हम कहाँ पर हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में या साउथ में, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अब देखो ये तो हो गया, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। अब मैं इसको देखो ये क्या है, पहले तो मैंने बता दिया आपको कि लाइफ होती है, स्फीयर ऑफ लाइफ बोलते हैं इसको, और ये जो है कहाँ पर, मतलब देखो हमने बात कर ली तीन ही तो चीज़ें होती हैं, एक ज़मीन हो गई, दूसरा पानी हो गया और तीसरा हवा हो गई, तो फिर बायोस्फीयर कहाँ हुआ। ये देखो एक नैरो जोन है जहाँ पे मान लो ये वाटर है, ये एयर है और ये लैंड है, तो ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं वहीं पे, देखो ये वैसे भी एक इंसान जैसा बन गया ना, तो ये लाइफ बन गई, तो यहीं पे लाइफ होती है, मतलब जहाँ पे पानी भी मिलेगा, लैंड भी मिलेगी और एयर भी मिलेगी, तो ये तीनों चीज़ें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पे लाइफ होगी। तो मोस्ट ऑफ द जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यहीं पे होते हैं जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, बायोस्फीयर में। तो ह्यूमन जो है वो क्या करता है, अपनी अपने अकॉर्डिंग जो है चेंज कर लेता है एनवायरनमेंट को, ठीक है, जैसे आपने घर बनाना होगा आप साफ़ कर देंगे, नोबडी केयर्स कितना नुकसान हो रहा है। अब देखो यहाँ पे बात आ रही है बायोडाइवर्सिटी की, तो हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कैसे होती है, मतलब अलग अलग तरह से स्पीसीज जो हैं वो डेवलप होती हैं। जैसे हम बात करें इंसान की, तो इंसान जो है समुद्र में कोई जीव पैदा हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, पहले वो पानी में रहता था, लेकिन जब वो पानी के ऊपर आके उसने देखा कि पास में ज़मीन है तो वो शायद ज़मीन पर आया, फिर वहाँ पे पहले वो डरता था, वो पानी के आसपास ही रहता था, लेकिन बाद में वो दूर भी निकला और धीरे धीरे डेवलप होके आज जिस स्टेज पे हम हैं वहाँ पे ह्यूमन पहुँच चुका है। इसी तरह से मैं बात करता हूँ फ्रेश, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस जो है वो फैल रहा है, वो वायरस है, वो तो वायरस है, इंसान नहीं है, ऑर्गेनिज्म नहीं है कोई, उसमें भी कन्फ्लिक्ट है कि वो लिविंग होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन चलिए जितना मेरे को पता है, मैं साइंस स्ट्रीम से नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कोरोना वायरस जो है ये जो जब चाइना में पैदा हुआ तो कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे इसने अभी तक जो इसकी 12th या 13th स्पीसीज जो हैं इसकी खोज ली गई, तो इस तरह से डेवलप होती हैं। तो ये जो है ये सारी चीज़ें, अब देखो डाइवर्सिटी आती है, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग होती हैं चीज़ें, कोई ज़्यादा एनवायरमेंट में, कोई जो चीज़ है मतलब कोई जो क्या बोलते हैं इसको लाइफ है वो ज़्यादा चाहिए, कोई कम चाहिए, मान लो यहाँ पे शेर ही शेर हो जाएं तब क्या होगा, इंसान ख़त्म, या मान लो इंसान ही इंसान हो जाएं तो शेर ख़त्म, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो
एक डाइवर्सिटी जो है वो पैदा हो जाती है अगर अनबैलेंस हो जाए। तो इस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, मान लो ये देखो डाइवर्सिटी की मैं बात बताता हूँ। टाइगर जो है, टाइगर हैं, लाइन हैं, डियर हैं, ह्यूमन है। अब कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही होती है, मतलब ख़त्म होने वाली होती है, लुप्त होने वाली होती हैं, तो उनके वो क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उनको कंजर्व करना पड़ता है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया एक 1972 में। कब किया, 1972 में। किस लिए किया, प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए, किसको, बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, तो जो वायलेशन है इस एक्ट की उस वो पनिशेबल क्राइम है एक, माल की अगर आप इसको वायलेट करते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है इस जो एक्ट के अंडर। ठीक है, तो लास्ट में ये है कि ये जो है सिर्फ गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट ने बनाया, गवर्नमेंट फॉलो करे, गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करे, ये हम सब की भी ड्यूटी है और हमें करना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहें। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ़।